हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। एंड हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही हो गाइस, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हैं कि सामने ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये ब्लड डोनेशन है जो कि हमारे ब्लाइंड साथियों के द्वारा किया जा रहा है। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था है, कैसे हमारी साथी पूरे जज्बे के साथ लगे हुए हैं। जो भी यहाँ पर ब्लड दे सकते हैं वो लोग यहाँ पर अपना काम बड़ी ही बखूबी कर रहे हैं, टीम भी है यहाँ पर पूरी। तो चलिए गाइस मैं आपको एक बार विस्तृत रूप से दिखाती हूँ, और मेरी आवाज़ थोड़ी सी अगर आपको कम हो रही है गाइस तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो सबसे फर्स्ट ये देख लीजिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और महत्वपूर्ण सवाल जो पूछे जाते हैं वो हमारे साथियों से पूछे जा रहे हैं। बर्थ डेट बताओ आपकी। 1985। एज कितनी है आपकी? 30 है। वेट? वेट 50 है। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? बीए टाइम है। तो ये आपने देखा गाइस इस तरह के सवाल जवाब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के समय, जिन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है वो लोग जानते होंगे कि पूछे जाते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ब्लड का चेकिंग, हीमोग्लोबिन कितना है। ब्लड जब डोनेट किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि जैसे जिसने ब्लड डोनेट किया है उसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे शुगर तो नहीं है, उसका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, आरबीसी WBC उसकी सब कुछ पूरा रेट निकाल कर अच्छे से उसके बाद भी ब्लड डोनेट करने दिया जाता है। और यहाँ आप जो सकते हैं ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम। क्या नाम है सर आपका? राजेश। राजेश शर्मा जी, कितनी बार ब्लड डोनेशन कर लिया आपने? 4 बार। ब्लड डोनेशन करवा है और तो नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम चंद। पूनम चंद, ब्लड डोनेट हो गया आपका? जी जी जी। आपका हीमोग्लोबिन वगैरह बिल्कुल सही था? जी, मेरे डॉक्टर साहब ने सही बताया था, वहाँ चेक किया था उन्होंने। अच्छा, और कैसा लगा आपको ब्लड डोनेट करके? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। द फर्स्ट टाइम आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए जब आप गए थे ब्लड डोनेट करने? जी, पूछा गया था मेरा नाम और बेसिक डिटेल्स पूछी गई। आपने कोई धूम्रपान या नशा तो नहीं किया है पीछे 48 घंटे भी? और या तो कोई ऐसा कोई काम जो, या कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ है, कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, इस तरह की बेसिक से क्वेश्चन। यानी कि आप जान चुके होंगे कि नशा जो है वो तो वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए जी। लेकिन अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उससे पहले 48 आवर्स तक आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आप रेस्ट कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। और ये आप देख सकते हैं दी जाती है ब्लड डोनेट करने के बाद, बहुत लोगों को मिली होगी, थोड़ा बैलेंस बन जाता है, लिक्विड अच्छा रहता है ब्लड डोनेट करने के बाद। यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यू ये कार्यक्रम यहाँ पे चालू है। सर क्या नाम है आपका? अमित डामोर। जोर से बोलिए। अमित डामोर, क्या करते हैं आप? मैं लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन, यहाँ पर आप ब्लड डोनेट के लिए आए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। तो आप हमें बताइए कि ये जो बॉल है ये इनके हाथ में क्यों दी गई है? जी ये बॉल इनके हाथ में क्यों दी गई है? ये इनके प्रेस करने से ना ब्लड फ्लो ज़्यादा आता है। अच्छा, तो उससे डोनेशन में आसानी होती है? आसानी होती है। और जी बहुत याद रखिएगा सर, याद रखिएगा मुझे। कितना ब्लड निकला है इनका? 450 निकलेगा। 450 ml ब्लड। क्या कितना वेट, क्या कंडीशंस होती है ब्लड डोनेट करने के लिए? क्या कंडीशंस होती है ब्लड डोनेट करने के लिए? डोनेट करने से अपन लोगों की जान बचा सकते हैं, जैसे किसी को रिक्वायरमेंट है एक यूनिट से अपन 3 लोगों की जान बचा सकते हैं।
मतलब क्या क्या इसमें ब्लड में क्वालिटीज होनी चाहिए? किसी को PRBC की जरूरत रहती है, किसी को FFP की रहती है, किसी को PC की जरूरत रहती है। जैसे अपन तीन लोगों की एक बोतल से अपन तीन लोगों की जान बचा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड सर क्या नाम है आपका? मैं अनिल। अनिल शिंदे। कहाँ से हैं सर आप? मैं पुणे महाराष्ट्र से। और यहाँ पर कन्वेंशन अटेंड करने आए हैं? जी। रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़े हुए हैं? जी। और यहाँ पर आप ब्लड डोनेशन कर रहे? पहले भी किया सर आपने ब्लड डोनेशन? इससे पहले मैंने 97 बार किया है। 97 बार? हाँ। क्या बात है। दिस इज माई 98 टाइम। 98? हाँ। और इतनी आदत पड़ गई नसों को कि 6 महीने के बाद नसे पूछते कि अब तक खुली कहाँ, हमें खुला क्यों नहीं छोड़ा। क्या बात है सर, तो ये तो आप एक अभियान चला रहे हैं देखा जाए तो। पहले कैंप लगा था रिकॉर्डिंग क्लब में ब्लड डोनेट का, तभी भी ब्लड डोनेट किया था आपने? नहीं, उस वक्त नहीं किया था। उस वक्त नहीं कर पाए। तो चलिए सर, आगे ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और आप जैसे लोग होंगे तो बहुत ही जो जरूरतमंद है उनकी बहुत हेल्प होती रहेगी। बहुत बड़ी बात है 98 बार आप ब्लड डोनेट कर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। साथियों, ऐसे आपको यहाँ पर पता चला ब्लड डोनेशन के बारे में, ये रिकॉर्डिंग क्लब के द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगर आप भी इस तरह के कार्यक्रम में पार्ट लेना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़े और हमारे साथ इस कन्वेंशन में आए, हमें ज्वाइन करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।